मम्मी। हाँ बेटा। मम्मा देखो ना, ठंड बहुत लग रही है, भूख लग रही है, कुछ दे दो ना खाने के लिए। खाने के लिए सूप बना दूँ? नहीं मम्मी, सूप कौन पीता है। फिर क्या खाओगी बताओ। आज ना आप एक काम करो, मोमो बना दो। मोमो? ओके। नमस्कार दोस्तों। अब दोस्तों बच्चों की डिमांड है तो इसे पूरी तो करनी पड़ेगी, तो चलिए मोमो बनाते हैं। सबसे पहले हम मोमोज के लिए चटनी तैयार करते हैं, क्योंकि चटनी के बिना तो मोमोज अधूरा रहता है। इसके लिए लिया है मैंने एक पतीले में एक कप पानी, और उसके अंदर मैंने डाले हैं तीखी वाली लाल मिर्च 4-5, साथ ही डालेंगे 2 टमाटर, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाए तब इसको हम ठंडा करेंगे और इसके छिलके उतार कर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब चटनी को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, साथ ही डालेंगे 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 पूरा बड़ा लहसुन बारीक कटा हुआ। इसके अंदर लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं, जितनी लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। साथ ही कलर और फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और उसको 1 मिनट पकाने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया है उसको डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके अंदर अगर थोड़े से मोटे पीसेस रह जाते हैं तो उसे या तो आप एक बार दोबारा से ग्राइंड कर लीजिए या बाहर निकाल दीजिए। अब साथ ही डालेंगे कलर के लिए 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून चीनी। चीनी हमने टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका डालने से चटनी का फ्लेवर और भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर जरूर डालें। आप इसके अंदर 1 टीस्पून अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने चीनी और नमक दोनों इक्वल डाला है तो हमें उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तीखी वाली मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। अब हम मोमोज के लिए डो तैयार करते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 2 पिंच नमक और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। इसे हम मिक्स करके अच्छे से हाथों से मस लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। मोमोज के लिए डो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। अगर डो सॉफ्ट नहीं होगा तो मोमोज हमारे अच्छे नहीं बनेंगे और खाने में हमारे मोमोज बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे। इसीलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो। जब हमारा डो तैयार हो जाएगा तब इसे हम अपने उंगली से प्रेस करके देखेंगे। देखिए इस तरीके का हमारा डो होना चाहिए। इसे बेलने में बहुत ही सहूलियत होती है। अब इसे एक बाउल में हम ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो ये मैदा है अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसे हम 30 मिनट के बाद दोबारा से मस लेंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर पूड़ी के साइज की बेल कर रख लेंगे ताकि मोमोज हमारे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसी बाउल में मैंने ले लिया है 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सोयाबीन भी डाला है, सोयाबीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च डालकर मिक्स कर देंगे। साथ ही डालेंगे अपने टेस्ट अनुसार नमक। स्टफिंग के अंदर नमक हम तभी डालेंगे जब हमें स्टफिंग को फिल करना हो, क्योंकि अगर हम पहले से ही नमक डालकर रख देंगे तो नमक डालने की वजह से सब्जियां हमारी पानी रिलीज कर देंगी, जिससे कि हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी सॉगी हो जाएगा। साथ ही मिक्सचर के अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल और 1 कप हरा धनिया।
ऑयल डालने से हमारा जो मोमोज है अंदर से काफी जूसी बनेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। इसके लिए मैंने एक पूड़ी ले ली है और उसके ऊपर हम उतना ही स्टफिंग रखेंगे जिसे हम अच्छे से इसकी शेप दे पाए। मोमोज के लिए पूड़ी जब हम बेलेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसकी जो किनारी हो वो पतली हो, क्योंकि जब हम उसे ओवरलैप करते हैं तो वो डबल हो जाती है और ऊपर बहुत ही मोटी हो जाती है उसकी लेयर, इसीलिए हम उसको पतला ही बेलेंगे। मोमोज को एक बार शेप देने के बाद हम अच्छे से उसकी जो लेयर होगी उसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए पतला कर देंगे ताकि वो बहुत ही अच्छी शेप में आ जाए। इसी तरीके से हम बाकी मोमो को भी फिल कर लेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार मोमोज की जो फिलिंग है किसी भी शेप में कर सकते हैं, जो भी आपको बनाना इजी लगे आप उस तरीके से इसकी शेप दे दीजिए। मोमोज की फिलिंग जब भी आप करें तो मेक श्योर कि आप 10-12 पूड़ियां पहले से ही बेल कर रखें। ऐसा करने से बहुत ही काम हमारा आसान हो जाता है। हमने सभी मोमोज को तैयार कर लिया है। अब एक इडली स्टैंड में हम ऑयल ग्रीस करेंगे और सभी मोमोज को उसमें रखकर हम स्टीम में पकाएंगे। अगर आपके पास मोमोज स्टैंड है तो आप उसमें स्टीम कर लीजिए, या आप इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास इडली स्टैंड है तो मैं इसके अंदर स्टीम करने वाली हूँ। मैंने सभी को सेट कर लिया है और पानी भी बॉईल हो चुका है। अब उसके अंदर हम इस स्टैंड को रखेंगे और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम में पका लेंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि यह हमारा अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। अगर अच्छे से हमारे मोमोज कुक हो गए होंगे तो उसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए हमारा मोमोज लगभग ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे मोमोज बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे। मैंने मोमोज वाली तीखी चटनी तो बनाई ही है, साथ में मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई है। अगर आप मेरी इस ग्रीन चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से मेरी रेसिपी को देख सकते हैं। वेज मोमो से पहले मैंने एक बार पिज्जा मोमो भी बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे भी एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप मुझे फेसबुक पेज पिकल चिकल बाय अक्षरा रति पर भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।